वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 3 अप्रैल। अभी आया हूं मैं ऑफिस, इसके बाद मुझे क्लिनिक भी जाना है, अभी थोड़े एक दो रील शूट करना है और एक वीडियो शूट करना है मुझे यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और एक पार्सल भी आया था, देखते क्या है एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं है मैंने क्या मंगाया था। लेट्स सी क्या है, क्या है इसके अंदर भाई यहाँ पे। ओके, ये एक सनसेट लैम्प है, ये मैंने अपने स्टूडियो के लिए मंगाया था, काफ़ी पोर्टेबल सा लैम्प है ये। 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का होगा ये सेट। और ये है वो सनसेट लैम्प, एक्यूजिंग थोड़ी होल है भाई। इसके पावर ऑन करने के लिए अपने पास चार्जर नहीं है, सो इसको लैपटॉप पे लगा देंगे और ये चालू हो गया। ये मेरे ख्याल से ऑन ऑफ का बटन है, यस, इससे ऑन होता है ऑफ होता है। और इन्होंने रिमोट भी दिया है, सो रिमोट से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो, ऑन करना है ऑन कर सकते हो। ब्राइटनेस कम ज़्यादा आई डोंट थिंक नहीं कर सकते हो आप, ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं कर सकते। कलर चेंज कर सकते हो, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये वाइट है। सो अभी फिलहाल तो यहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस अच्छी है, बट एक बार अपन अपने स्टूडियो में पूरा अंधेरा करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लाइट कैसी दिखती है। सनसेट लैम्प कुछ इस तरीके से दिख रहा है रात में। ये मैंने अभी पूरे स्टूडियो की लाइट्स बंद की है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया पर्पल, ये है अपना सनसेट वाला। इसमें आप फोटो भी खींच सकते हो, फोटो तो बहुत क्लास आते हैं। और इसके लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से बाय करना। और कुछ पार्सल आया वो भी अनबॉक्स करूँगा अभी। ये एक छोटी सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड है, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो इसको, बहुत ही पोर्टेबल होता है ये। इसकी लिंक ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगेन, क्योंकि ये ब्लूटूथ रिमोट के साथ आता है और क्वालिटी उसकी, और इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है। ये एक छोटी सी एलईडी भी आती है भाई। सनसेट लैम्प आपने देख ही लिया, दोपहर में मैंने अनबॉक्स किया था। ये क्या चीज है देख के, ओके ये चीज, ये है एक वॉइस एक्टिवेटेड लाइट जो कि काफ़ी कूल एक्सेसरी है आपके टेबल पे रखने के लिए। और पता है इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या है, ये आता है यूएसबी टाइप सी पोर्ट भाई। ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है भाई, मैं अभी इसको ट्राई आउट। सो मैं जैसा इसका मतलब लेवल बताएगा, सो अगर आवाज़ कम है तो फिलहाल मेरा सिर्फ यहाँ तक जा रहा है, बट अगर मैं इस पे चिल्लाऊँ या मैं ये मेरे बहुत नज़दीक हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये हेलो हेलो हेलो। इसका बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है हम लोग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नो गॉड प्लीज नो नो। आज है 9th of March और आज है गुड़ी पाड़वा, तो करते मेरे साथ सेलिब्रेट और दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है गुड़ी पाड़वा में। और बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए आवाज़ आ रहा है। अभी गाड़ियों की पूजा की जाती है पाड़वा में, तो अपने अलकजार की भी की है अभी मैंने, और इसको हार भी लगाया है कि साइड पे। तो बहुत धूल हो रही है भाई, अभी कल से मैं इस पर ना डायरेक्टली कवर चढ़ाऊँगा, बहुत गंदी धूल हो रही है कंस्ट्रक्शन की वजह से। और अपने गाड़ी में के गणेश जी को भी, और अपने गाड़ी में के गणेश जी को भी हम लोग करना, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगेन। भाई लोग आज है 13th of March और मैं अपने ऑफिस पे आया था इस चीज़ पे रील बनाने के लिए। अगर आपको इसका मेन चैनल पे बड़ा वाला लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए मुझे, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये अपना फ़ोन है, मैं मेरे दोस्त के फ़ोन के साथ शूट कर रहा हूँ, ये 13 Pro Max है। सो क्वालिटी कैसी हो बताना मुझे। और आज मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि डेली व्लॉग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू नहीं आ रहा है, रात में मैं क्लिप्स डाल के एडिट कर सकता हूँ, बट कुछ हैपनिंग हो रहा ही नहीं है अपने लाइफ में, तो क्या डेली व्लॉग करना, राइट? इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि वीक में एक ही बार व्लॉग डालूंगा, वो भी संडे को, हर संडे को आपको व्लॉग मिल जाएगा। बट अगर समझो कुछ हैपनिंग हो ही रहा है, बहुत हैपनिंग हो रहा है, या फिर मैं कहीं पे गया हूँ, ट्रिप गया हूँ, बाकी भाई मेरे को वो फैमिली व्लॉग वाला व्लॉगिंग नहीं करना है कि भाई अभी उठाऊ सो के उठाऊ और ये ऐसा हो रहा है, सब कुछ नहीं करना है अपने को।
अपने वो बस जो हैपनिंग होता है वो दिखाने का है अपने ऑडियंस को। कुछ सजेशन होंगे कि भाई यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, वहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है, ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी वो भी बताना मुझे। तो आज 13 मार्च है, सो 14 कल 14 मार्च है, कल अंबेडकर जयंती भी है और संडे भी है, तो कल ये अपना व्लॉग आ जाएगा और उसके बाद 15 से लेके तो मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए भाई स्टे सेफ और सब्सक्राइब करना चैनल को और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करना गीकी डेंटिस्ट। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ।